तो भाई यहाँ पे बनने जा रहा है काजू कतली, हमारे चैनल पे पहली बार आ रही है काजू कतली। किस तरीके से जो हलवाई होते हैं ना, शॉपकीपर, कैसे बनाते हैं वो सारा सीखेंगे। ये 2.5 किलो काजू है, टूटा हुआ टुकड़ा जो आता है ना वो वाला है ये 2.5 किलो। अब इसको पानी में भिगाएंगे, और कितनी देर के लिए भिगाएंगे भैया इसको? तो भाई इसको 1 घंटे के लिए आपने छोड़ देना पानी के अंदर, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आगे देखते हैं। भाई यहाँ पे आपने काजू को पीसना है, बिना पानी के पीसना है, पानी से काजू को आपने निकालना है और एज इट इज़ उसको पीसना है, कोई भी पानी इसमें नहीं डालना। इनके पास बड़ी मशीन है, आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हो। तो चलिए इसको पीसने देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो आगे देखते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीनी को ऐसा फैलाया, क्योंकि ये कढ़ाई अभी अभी धुली है ताकि ये काली ना पड़े। अब चीनी डल रही है, ठीक है। ये काजू हमारे पीस चुके हैं, और 2.5 किलो ही काजू है और 2.5 किलो ही आपकी चीनी है। तो एक बार भैया जरा ये काजू उठा के दिखाओगे हल्का सा नीचे से? देखो इस तरीके का आपने इसे पीसना है, ऐसे दबाना, ये देख लो, ठीक है। इतना आपने बारीक इसको पीसना है। तो 2.5 किलो काजू, 2.5 किलो चीनी हमारे सामने इन्होंने तोला है, ठीक है। बराबर बराबर लेनी है, जितना आपका काजू होगा उतनी आपने चीनी भी लेनी है। उससे पहले हल्का सा यहाँ पे चीनी लगाई, क्योंकि ये कढ़ाई अभी धुली है ताकि कढ़ाई काली ना हो जाए, इसके लिए लगाई जाती है। अदरवाइज घर पे आप बनाओगे तो आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप चीनी और काजू डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से ऐसे मिलाना है। तो भाई यहाँ पे अंकल जी बता रहे हैं कितनी देर इसको खोलना है? 15 मिनट बिना जलाए, बिना गैस जलाए। भाई साहब आपने ऐसे ही इसको मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने पहले इसको चीनी घोलनी है मिला मिला के करछी से, उसके बाद इसमें गैस जलेगी। अभी आपने गैस नहीं जलानी, पहले 15 मिनट तक ऐसे ही कर करके इसकी चीनी घोलनी है। जब ये घुल जाएगी अच्छे से उसके बाद हम गैस जलाएंगे, फिर पकाएंगे इसको। तो चलिए 10 से 15 मिनट इसको ऐसे अच्छे से मिलाने देते हैं ताकि चीनी पहले ऐसे घुल जाए। तो भाई चलिए इन्हीं से पूछते हैं यार कि चीनी बिना गैस जलाए क्यों ऐसे घोलनी है, इसका रीज़न क्या है? तो भैया रीज़न क्या है इसका, मतलब क्या इसका है? रीज़न ये है क्योंकि चीनी खड़ी रह जाएगी तो दांतों में कर आएगी। अच्छा। और गैस से पहले अच्छे से घुल जाती है, उसके बाद हम गैस चालू करेंगे इसकी। ठीक है। तो भाई दांतों में करकरारी ना रहे इसके लिए पहले ऐसे ऐसे मिलाया जाता है, इसके बाद आपको गैस खोलनी है ताकि मतलब बर्फ़ी टाइट ना हो जाए, उसके लिए सारा प्रोसेस रहता है। ताकि आप बर्फ़ी खाओ तो सॉफ्ट सॉफ्ट सी लगे, टाइट टाइट ना लगे, इसलिए पहले आपको बिना गैस जलाए ऐसे घोलना अच्छे से, उसके बाद गैस जलानी है। तो चलिए 5 मिनट से हो चुके हैं, 10 मिनट अभी और लगेगा, उसके बाद फिर गैस जलेगी। तो भाई वेलकम बैक टू वैनम फूडी। तो आज हम आ चुके हैं न्यू अग्रवाल स्वीट्स एंड कैटर्स। पहले मैं आपको यहाँ का एड्रेस बताता हूँ, ये है भैया द्वारका सेक्टर 14। जी सर। और यहाँ पे ये कौन सी रोड है? ये सनी बाजार रोड है। सनी बाजार रोड है सामने, यहाँ पे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये आपको काली माता का मंदिर मिल जाएगा। सामने आपको शॉप मिल जाएगी न्यू अग्रवाल स्वीट्स एंड कैटर्स। अगर आप आजकल हमारी वीडियो देख रहे होंगे रेसिपी की, हलवाइयों की, तो इन्हीं की कैटरिंग का वो सारा काम है। तो इनसे आप कांटेक्ट करो अगर आपको कोई भी काम हो कैटरिंग का, या यहाँ पे आपका समोसे या कुछ भी आपको यहाँ पे खाने हो, ऑर्डर करने हो, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो गैस अंकल जी ने, देखो ये पूरी गल चुकी है ना अच्छे से, हल्की हल्की सी आपको दिख रही होगी बट पूरी ऑलमोस्ट ये, हाँ हल्की हल्की सी रहेगी, गैस से पिघल जाएगी। नीचे गैस कर दी तेज, गैस कैसी रहेगी इसमें भैया? हाँ स्लो रहेगी, ठीक है स्लो आँच में आपने इसको पकाना। कितनी देर पकाएंगे अंकल जी? अब आधा 30 से 35 मिनट इसको ऐसे पकाना है, और कंटिन्यू करछी चलाते रहना भैया। बराबर, ठीक है, बराबर करछी ऐसे चलती रहेगी कंटिन्यू, और 30 से 35 मिनट आपने धीमी आँच में इसको पकाना है। तो चलिए जब तक इसमें कुछ और डालेंगे तो आगे देखते हैं। भाई देख लो 15 मिनट हो चुके हैं इसको करते हुए, और कलर देख लो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने कंटिन्यू करछी चलाते रहनी है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। भाई यहाँ पे देख लो क्वांटिटी इसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। भैया जैसे ये अभी 2.5 किलो काजू का है तो कितने किलो बन जाएंगे इससे बर्फ़ी? 2.5 किलो चीनी और 2.5 किलो काजू के, 5 किलो बर्फ़ी बन जाएगी? तो भाई 5 किलो बर्फ़ी बन जाएगी आपकी 2.5 किलो काजू और 2.5 किलो चीनी से। तो भाई यहाँ पे कर दिया गैस बंद, हो चुका है आधा घंटा इसको हिलाते हुए अच्छे से। तो जैसे अंकल जी फिर पता कैसे चलेगा कि हमें ये हो गया ऐसे उंगली से देख लो, ऐसे करके ऐसे देख लो। अच्छा इससे कैसे पता चलेगा? ये गोल हो जाती है अपने आप। अच्छा अपने आप गोल हो जाती है? ये गोल हो गई। अच्छा गोली बन गई इसकी, गोली। अच्छा गोली बन गई तो मतलब ये हो गया। हाँ ये हो गया, डन है, गोली बन गई। तो चलो भाई ये हो चुका है, अब इसको क्या करेंगे? ठंडा होने के लिए रखेंगे? ठंडा करना है, ठंडा करना है इसको, ठंडा होने के लिए अब छोड़ देंगे। छोड़ देंगे हम तो, भुट्टा ही डाबी चलेगी मिले रे।
तो भाई गैस बंद कर दिया, उसके बाद अंदर ले आए इसको, बट लेकिन अंकल जी कह रहे हैं इसको फिर भी चलाते रहेंगे कितनी देर तक? कम से कम 40 मिनट कंटिन्यू आपने गैस बंद करने के बाद भी इसको चलाते रहना है, ठंडी करनी है इसे चला चला के, नहीं तो अंकल जी क्या ये टाइट हो जाएगी? क्या बर्फी, नहीं तो आपकी टाइट हो जाएगी। तो यानी कि जब आप इसको पका लोगे आधा घंटा वहाँ पे गैस में, उसके बाद गैस से निकालने के बाद भी आपने ऐसे कड़ची कंटिन्यू चलाते रहना कम से कम 40 मिनट, अदरवाइज आपकी पूरी बर्फी टाइट हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी, ठीक है? ये देख लो भाई अंकल जी किस तरीके से लगे पड़े हैं, ये देख लो, देख लो भाई इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है तब जाके बनती है काजू कतली, ऐसे नहीं कि बस 2 मिनट का काम और हो गया। सामान इसमें मुझे पता है ज़्यादा कुछ नहीं डला, 2 चीज़ डली है, बट लेकिन इसकी जो बाकी इसकी मेहनत है ना वो बहुत ज़्यादा लग रही है। देख लो किस तरीके का ये हो गया, ऐसे आपने इसको घोटना अच्छे से, तो मुझे पता क्या चलेगा कि ये हो गया हमारा, अभी पता लग जाएगा इसको पूरी एक वो हो जाएगा, एक डिब्बा बन जाएगा। अच्छा हमारा ये आपस में जम जाएगा सारा, बन जाएगा आटे की तरह। अच्छा अच्छा आटे की तरह जब ये एक साथ चिपक जाएगा ना तो मतलब हमारा ये हो गया है। हो गया। तो अभी और कितना टाइम लगेगा अंकल जी? अभी तो लग जाएंगे 10-15 मिनट अभी और लगेंगे। हाँ। तो भाई 20 मिनट अराउंड हो चुके अंकल जी को करते करते, तो ऐसे अभी 10 से 15 मिनट अभी और लगेगा, गोरा सा बन जाएगा। हाँ। ठीक है, जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं ना तो गूंथते गूंथते लास्ट में इकट्ठा नहीं होता, एक साथ पूरा गोल सा रहता है, वैसा हो जाएगा, तब तक आपने इसको करना है। तो चलिए अंकल जी को करने देते हैं, जब ये फाइनल हो जाएगा तब आगे आपको बताता हूँ। तो भाई ये देख लो इस तरीके से आटे की तरह गूंथ के इसको इकट्ठा कर दिया अच्छे से, और अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके वीडियो में तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो ठीक है इस तरीके से आपने करना, कितनी देर करना है अंकल जी इसको? हो गया, हो गया 10 मिनट। अच्छा जब तक ठंडा ना हो पूरा तब तक ऐसे आपने इसको मलना है, ठीक है? तो इसको आपने मुलायम करना है, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं ऐसे मल मल के आपने इसको मुलायम करना है। ये देख लो ये हो चुका है मुलायम, अब अंकल जी ला रहे हैं बेलन, अब इसको बेलेंगे। बुरा बेलन तो भाई देख, ये देख लो भाई टाइट हाथों से आपने इसको बेलना है, और जितना मोटा आप रखना चाहते हो उतना मोटा आप इसे रख सकते हो, ठीक है? जितना ज़्यादा पतला बनाओगे तो ज़्यादा और मस्त सा अच्छा सा बनेगा। ये देख लो भाई यहाँ पे अंकल जी ने पूरा इसको अच्छे से बेल दिया है, अब साइड से पहले इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल रहे हैं, फिर इसकी शेप देंगे। तो लो भाई यहाँ पे अच्छे से हमारा हो चुका है, तो भाई कटिंग आपने देख ली थी साइड से, अंकल जी ने इसको कट कर दिया था। अब इसके ऊपर जो चांदी लगती है ना, जो चांदी का वर्क जैसे कहते हैं, वो देखते हो किस तरीके से लगाया जाता है। लगाइए अंकल जी, कपड़ा गिर रहे। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये है पैकेट, देखो 750 रुपये इसका रेट है, तो देख लेना आप मार्केट में आपको मिल जाएगा। हल्का सा आपने इसको गीला करना है साफ़ कपड़े से, ठीक है? उसके बाद ये लगेगा, फिर ऐसे उल्टा करके आपने इसको लगा देना है। ये देख लो, तो भाई ये देख लो कटिंग शुरू हो रही है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने काटना है, जैसे नमक पार की कटिंग होती है ना सेम एज इट इज़ वैसी ही रहती है इसकी भी, पर थोड़े से शेप साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहता है। तो भाई स्टील का कोई बर्तन होगा उस पर आप जैसे केक जब बनाते तो उसके नीचे हम बेस नहीं लगाते, कागज़ लगाते ना, बटर पेपर आप जरूर लगाना, उसके बाद फिर ऐसे काजू कतली रखना। तो चलिए इस तरीके से आपने सारा रखना है, ठीक है? ये आपकी काजू कतली बनके रेडी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।